को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता। कोई कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम था। प्रेमिका भी बेवकूफ है, नंबर वन की, जिसमें अपना लिए नहीं, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा तो रीझ गई, किरी पे नाम लिखा रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिख गई। अब रीझ की तो बात दूसरी थी, जरा सी गाड़ी पे, बीरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन पीछे। आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पर नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल मेरा नाम लिख लेना, जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी। मेरे भोले बाबा कहते हैं, तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दो, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तो रेस हिस्सा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख रख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल, मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना। और शिव महापुराण ने वही करा। शिवपुराण करती क्या, शिवपुराण का काम क्या, शंकर भगवान की ये कथा करती क्या। तुम्हारे यहाँ मेला भरा था, अरे बोलो तो जम के। कई मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालार सर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे, तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोग, किस किस ने देखा है, देखा है, पैसे खुद खुद के नाम लिख मस्त। अब वो नाम लिखते हैं खुद खुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए, हाँ बस बस, तो कहाँ लिखवा के, तो बता देना वहाँ जो नाम लिखने वाला है, वहाँ जो नाम लिखाता है वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय, एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात बोला तुम्हारा, तुम बोले एक पत्र होता। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंडे के, अपने घर के अंडे का पानी लेकर जा रहे हो, उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है। वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा करती है श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले, ठीक है, तंदूल पड़ोसों के थे, पर जिस तंदूल में, जिस तंदूल को जिस पे बांधा गया था, वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था, और तंदूर उसमें बांधे गए थे, और तंदूर लेकर सुदामा जी को दिया गया था, सुदामा जी तंदूर लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदूर लेकर गए,
भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था, मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिका धीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर दे, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं मेरा एड्रेस, यहाँ तक पहुंचना है। वो आपके हरियाणवी में एक सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा, शंकर शंकर ओखड़ी ओखड़ी, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विश्व भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना अमृत, नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं नहीं एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, दो महीना हो गए, तीन महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो उसके द्वार पर जाते रहो। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के दे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, थोड़ा रुक के देगा। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवाधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें हमें हिम्मत नहीं हारना, हमको हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं, और आज भी तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है, हम बच्चों से बात जरूर कहना चाहते हैं, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर, शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगा कर, उस पर विश्वास कर कर, परीक्षा हाल में जरूर आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर उघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव महादेव तुम्हारे साथ में, तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ये भाव बन बनना चाहिए। और जब कलकत्ता का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए देके जाते हैं, इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते से कहते मौसा जी को याद आया, इधर जल्दी आ जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला 500 दिया, बस बस उसको तो चाहिए क्या था, अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण का नियम है, जैसे हम कथा में करते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिव रात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिव रात्रि कहलाता है। आज
आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठा घुड़ घुड़ करके आओ, तारा भर की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से दिल। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने, उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब आ जाएंगे। हर घड़ी हर पल उसके बिना, हर पल को याद आता है। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला। बीसी गए कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी पर, देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना तो वो पचती नहीं पाई। बहुत ध्यान देना मानो, बच्चे की नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट कर जाता, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिए। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा बड़ा भक्त, शिव का बड़ा बड़ा भक्त, प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक जहां उसको सूचना मिल जाती है कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता है, शिव जी की भक्ति में रम जाता है। तो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बना कि शंकर के बिना कुछ कुछ चल। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था कि बड़ा बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा। शिव जी के गले में जो नाक पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो, वासुकी नाम। जो शंकर भगवान के गले में जो नाक पड़ा है वासुकी। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम छीप्रिया, क्या नाम था? छीप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने छीप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ किया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? छीप छीप शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन है। बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान है। उनके मन में आया कि बस
वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन है, बड़ा बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या, आज तेरा मन नहीं लग रहा, क्या बात है, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया तुझको, तेरा मन नहीं लग रहा, क्या बात है, मन क्यों नहीं लग रहा, बच्चा पढ़ रहा है उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग, वासुकी नाग का मन नहीं लगा तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था तो पार्वती जी ने उनसे मांग किया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया, प्रथम गिनती का मेरा शरणानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है, आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूँ आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती, शिव जी ने वचन दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया, बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो, मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो, मौका लगा ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं पर मौका